काल मुंबईच्या विकासाशी संबंधित 40,000 कोटींच्या कामांचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन झालं. मुंबई शहराला सर्वोत्तम बनवण्यात या कामांची मोठी भूमिका असणार आहे असं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुंबईत विविध विकास कामांचं उद्घाटन केलं. महाराष्ट्राचा विचार केल्यास आगामी 25 वर्षात महाराष्ट्रातील अनेक शहरं भारताच्या प्रगतीमध्ये सहभाग नोंदवणार आहेत, त्यामुळं मुंबईला भविष्य. जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं. इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है. मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है. बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए. अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा. मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे, ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है. हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है. 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी. जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है. कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है.